ये दोनों किसी काम के नहीं। लेकिन काम कुछ ऐसा है। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है। कितने आदमी थे? अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। हेलो दोस्तों, साल 1975 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले ने बॉलीवुड के दर्शकों पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ रखी है। आज हम आपको फिल्म शोले के अनसुने तथ्य और इसके किरदारों से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें बताने जा रहे हैं। उन दिनों अभिनेत्री हेलन पर फिल्मी करियर बेहद बुरे दौर से गुजर रहा था। फिल्म की कहानी लिखने वाले सलीम साहब ने ही उन्हें फिल्म में एक आइटम नंबर गाने महबूबा महबूबा के लिए मौका। मगर फिल्म शोले ने अमिताभ बच्चन जी को सुपरस्टार बनाया था। फिल्म में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बीच फिल्माए गए सीन को खराब करने के लिए धर्मेंद्र जी काम करने के वाले लाइट बॉयज को पैसे दिया करते थे ताकि उन्हें फिर से फिल्माया जा सके और धर्मेंद्र जी को हेमा जी के साथ ज़्यादा समय बिताने का मौका मिलता रहे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस फिल्म की रिलीज के 5 साल बाद शादी कर ली थी, मगर अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी फिल्म की शूटिंग 4 महीना पहले ही हुई थी। शूटिंग के दौरान जया बच्चन जी गर्भवती थी, जिन्होंने बाद में श्वेता बच्चन जी को जन्म दिया था। बेंगलोर से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित रामनगर गांव को आज भी रामगढ़ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यही वो जगह थी जहां फिल्म शोले की शूटिंग हुई थी। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र के आसपास स्थित पत्थरों को शोले पत्थरों के नाम से जाना जाता है और यह एक पर्यटक स्थल भी बन गया है। शोले ही वो पहली फिल्म थी जिसे 70 किलोमीटर में बनी थी और पहली फिल्म जिसमें स्टीरियो फोनिक साउंड का इस्तेमाल किया गया था। इस फिल्म का अंत ठाकुर द्वारा गब्बर को मारने से होता है, मगर सेंसर बोर्ड वालों ने कुछ सीन ज़्यादा हिंसक लगने की वजह से हाथ मुझे दे दे।
इसे फिल्माने की हिदायत दी। रिलीज के 15 सालों तक दर्शकों ने इन एडिटेड वर्जन को फिल्म में देखा, मगर बाद में साल 1990 फिल्म का ओरिजिनल वर्जन भी बहुत जान तेरे हाथों में लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया था। सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। फिल्म के मशहूर गब्बर सिंह के किरदार को निभाने वाले अमजद खान को फिल्म में लेने के लिए एक ही इंसान ने हामी नहीं दी थी, वो थे जावेद अख्तर साहब, क्योंकि उन्हें लगता था कि अमजद खान की आवाज़ गब्बर सिंह के किरदार के लिए दमदार नहीं है। ये गब्बर सिंह का नाम है, पूरा व्यक्ति नहीं है। एक ऐतिहासिक फिल्म होने के बावजूद फिल्म को फिल्म फेयर में 9 नॉमिनेशन होने के बावजूद केवल एक ही फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, और वो था बेस्ट एडिटिंग का, जो एक M.A. शिंदे को दिया गया। ये हाथ है, फांसी का फंदा है। फिल्म के डायलॉग को उस समय भी बेहद पसंद किया गया था और आज भी पसंद किया जाता है। फिल्म में कुछ गलतियां भी हुई है जिसे सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं दिखाया जाता है। उनमें से ही एक गलती उस सीन में है जब धर्मेंद्र आत्महत्या करने के लिए पानी की टंकी पर ऊपर चढ़ता है, जहां एक तरफ ठाकुर के घर में रहने वाली जया बच्चन को हर समय लालटेन जलाते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि गांव में बिजली नहीं थी। तो सवाल यह उठता है कि इतनी ऊंची पानी की टंकी में पानी ऊपर कैसे चढ़ता था। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी फिल्म शोले के अनसुने तथ्य जिसे नहीं सुना होगा आपने, अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक शेयर जरूर करें। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। धन्यवाद।